हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों टॉप 10 मिसिंग नंबर के सवाल है जो काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मिसिंग नंबर के सवाल इसी टाइप के रहते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या भरेंगे, उसी प्रकार से ये फिगर जो बना है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या आएगा, इसी तरीके से आप देखेंगे ये बीच में जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या आएगा, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहे। एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके सॉल्व करेंगे, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, जरूर कॉमेंट करेंगे कि 10 में से आपने मिसिंग नंबर के सवाल कितने सॉल्व कर पाए हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पर बात करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, तो कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, चलिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल जो देखकर आप आंसर करेंगे। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, ट्राई करना है और अपने से प्रयास करना है। इसके लॉजिक को अब हम बताते हैं। अब यहाँ पर हो गया, जैसे देखिए चार का संबंध क्या क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर अगर उसने 64 लिखा है, यानी कहने का मतलब इधर यहाँ से यहाँ पर चला है तो उसने क्या किया है, चार का क्यूब कर दिया है। सीधी सी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर चार का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। उसी प्रकार से बात करेंगे अगर इस 7 का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 7 का यहाँ से चलेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, 7 का क्यूब कर देना है। क्यूब का मतलब होता है घन करना, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 343 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बात करेंगे हम लोगों का 11 का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब 1300 क्या होता है दोस्तों, 31। यहाँ पर एक बात और भी बताएंगे, जैसे कहेंगे कि 4 का क्यूब आपने कैसे कह दिया 64, तो ऐसे करते हैं 4 × 4 अगुना क्या कर देते हैं 4, 3 बार गुना। क्यूब का मतलब कोई भी संख्या को 3 बार गुना कर देंगे तो वो क्यूब होता है, और स्क्वायर का मतलब जानते हैं 2 बार गुना होता है, तो 3 बार। इसी तरीके से सबको कर लिए, 7 को 3 बार कीजिएगा 343, 11 को 3 बार कीजिएगा क्या आ जाएगा 1331। तो इस प्रश्न के आंसर की अगर बात करें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। करना क्या, एकदम अपने से ट्राई करना, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम यही देखना चाहते हैं कि 10 में से आपने कितने सवालों का जवाब दिया, हर एक स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। लुप्त संख्या ज्ञात कर, अब यहाँ पर ये देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम, चाहे वो SSC, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, MR, जितना भी एग्जाम है, UP पुलिस कांस्टेबल, LP टेक्नीशियन, UPSI, हर एक एग्जाम का, बिहार पुलिस, सब एग्जाम का क्वेश्चन इंक्लूड है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे दोस्तों, इसमें 28 लिखा है, इसमें 26 लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करते हुए पहले देखना है कि छोटे नंबर को क्या कर लें, जोड़ लें, गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, इस तरीके से आपको सोचना होता है जो बड़ा नंबर लिखा है। तो चलिए एक बार देखिए तो आपसे ट्राई करके हुआ है कि नहीं। तो देखिए उसने क्या किया था, इसका लॉजिक अब हम बताते हैं। 5 प्लस क्या कर लिया दोस्तों, 2 कर लिया, प्लस क्या कर लिया 4 कर लिया, प्लस क्या कर लिया दोस्तों 3 कर लिया, इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना, 5 × 2 = 7, 4 × 11 = 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। इसी 14 में अपने मन से क्या किया दोस्तों, 2 से गुना कर दिया, तो 14 × 2 क्या हो जाएगा 28। यहाँ पर मेन बात है कि अपने मन से उसने 2 से गुना किया है, सब संख्या को जोड़ लिया और 2 से क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। लेकिन यहाँ भी वही करेंगे, 6 + क्या कर देंगे दोस्तों 1, + क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 2 कर देंगे, + क्या कर देंगे 4 कर देंगे, इसको जैसे ही जोड़ लेंगे हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 7 × 2 = 9 + 4 = 13, तो ठीक है सर 13 क्या, 2 से अपने मन से गुना, ई 2 कहां से आया, मेन बात इसी को समझना है, जो 2 से गुना कर रहे हैं अपने मन से गुना कर रहे हैं, तो यहां पर कर देंगे तो 13 × 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो देखिए इस जगह पर 26 लिखा है कि नहीं, बीच वाला संख्या जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर को क्या किया है, जोड़ लिया और उसमें 2 से गुना कर दिया। इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए इस प्रश्न का आंसर करना है। 5 + 3 + क्या हो जाएगा 4, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, तो चलिए इसको जोड़ के देखिए तो 5 × 3 = 8 + 4 = 12 + 6 = 18 अगुना 2 कर देंगे तो 18 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा, इस जगह पर 36 होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, हर एक टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीयू हो, चाहे वहां आपका हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो कॉन्स्टेबल से लेकर हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए अंत तक बने रहना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, क्या इधर से चल दें या इधर से चल दें, दो तरीके से आपको फोकस करना है इसमें, हमेशा दो तरीके से जोड़ना है घटाना है, देखना स्क्वायर है तो क्या उसका रूट निकाल के कुछ जोड़ा है घटाया, तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। अब हम लॉजिक बताते हैं क्या किया है, यहाँ पर ई साइड से उसने चल दिया और लॉजिक को देखिए कितना, देखिए 64 को इस तरीके से लिखा है, रूट अंडर क्या कर दिया दोस्तों 64 कर दिया, प्लस का प्लस, ठीक है। उसी प्रकार से बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 25 का, तो रूट के अंडर में क्या लगा देना है 25 लगा देना है, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से रूट क्या करना है दोस्तों 81 कर देना, और इन सभी का मान निकाल के आपको क्या करना है जोड़ देना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और प्लस का प्लस, इसी पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और प्लस का प्लस, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, तो इसको जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, इसको 9 5 14 और 8 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। देखिए ना आपके सामने सब चीज आपके सामने करेंगे, बशर्ते आपको समझना है देखना है कि क्या लॉजिक आप लगाए और कैसे किए। अब इसी में उसी तरीके से चलेंगे, क्या कर लेंगे रूट 100 यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों रूट 100, ठीक है सर, प्लस का प्लस, आगे बढ़ेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 169, तो ठीक है इसको ले लिए प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या कर लेंगे 196, तो रूट 196 लिख दिए, इसको अब जोड़ लीजिए तो इसका मान निकल जाएगा 10 और प्लस का प्लस, इसका मान कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा, और इसका मान आपको पता होना चाहिए 14, तो जोड़ लीजिए 14 13 14 कितना हो जाएगा 27 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 37, तो देखिए 37 लिखा है कि नहीं, कौन सा ये वाला 37 जो नीचे जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए 22 लिखा था 37, उसी तरीके से आप बढ़ते हुए चलेंगे तो इसको आपको कर लेना है। चलिए अब ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा रूट 144, देखिए हम सब चीज़ करेंगे प्लस का प्लस, रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा रूट 256 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान तो आपको पता होना चाहिए 12 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, और इसका मान कितना होता है 16 होता है, तो जैसे ही जोड़ेंगे 16 12 28 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 29, लेकिन 16 12 28 एक जोड़ लेंगे तो 29 आएगा, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया था, इसीलिए आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए इसको सॉल्व करके बताएं, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए बताते हैं तो क्या करेंगे, दो तरीके से करना है। इधर कितना इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, तो और ही इंपॉर्टेंट है, उसने क्या किया 4 गुना क्या कर लिया दोस्तों 9 कर लिया, तो ठीक है 4 गुना 9 और इसी पे लगा दिया रूट, तो रूट लगा देंगे तो 4 गुना 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए 36 का मान आपका निकलेगा तो 6 हो जाएगा, तो वही वाला 6 लिखा हुआ है, ठीक है सर। इसी तरीके का पैटर्न को फॉलो किए हुए आप इस पे चल दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों 16 कर लेंगे, तो 9 गुना 16 करेंगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, रूट के अंदर में क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, तो 144 किसका मान होता है 12 का होता है, तो देखिए 12 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल समझ गए पैटर्न को। अब ऐसा संख्या ढूंढना है जो कि 20 आ जाए, देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं 16 अगुना आप क्या 21 करेंगे तो 20 आएगा, 35 करेंगे तो बहुत ज़्यादा 25 कर लीजिए, इस जगह पर 25 कर लीजिएगा ना, 16 गुना 25 कर लीजिएगा दोस्तों अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो आपका कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या निकल जाएगा 20, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको 20 रखना होगा, जैसे ही 20 रखेंगे और अच्छा 25 यहाँ पर कितना रखना होगा 25 रखना होगा तब ना होगा, हाँ 25 जैसे ही रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 20 आएगा, लेकिन रख के उसने क्या किया इन दोनों नंबर को गुना कर लिया, गुना करके उसका रूट निकाल दिया, इसी प्रकार से इन दोनों नंबर को गुना कर दिया और उसका रूट निकाल दिया, इसी प्रकार से इन दोनों नंबर को गुना कर देंगे उसका रूट का मान निकाल देंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, किस ऑप्शन में है 25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सॉरी इसके लिए हमने 20 बोला था, 25 आंसर आएगा, 25 लिखे भी थे यहाँ पर हमने कैसे कर दिया जो कि अच्छा वहाँ पर आइए ये मान निकालना ना, हम लोगों को ये मान निकालते, ये मान 20 निकला, हम ये वाला आंसर 20 निकाल, लेकिन रखना क्या होगा 25 रखना होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था। चलिए अब ये देखिए एकदम पूछा गया क्वेश्चन है, अब देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कर पाएगा, देखिए यहाँ धमाधम स्किप हो जाएगा कि सर हमसे नहीं हो रहा है, हम क्या करें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो करना कुछ नहीं आपको इस तरीके से सवाल को जो बता रहे हैं 10 क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, तो हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया है, जब कभी फिर आएगा क्वेश्चन तो वहाँ पर लॉजिक लगाएंगे तो आपसे बन जाएगा।
देखिए उसने क्या किया, छ माइनस क्या कर लिया दोस्तों, दो कर लिया, छ माइनस दो अगुना क्या करना होगा इसमें, चार करना होगा तब जाके बनेगा। ये देखिए चार अगुना क्या कर लेंगे दोस्तों, चार, तो आपका क्या हो जाएगा, सोलह हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए एक तो हम बनाएंगे क्या, सब तो चेक करने के लिए आपके पास समय रहेगा, मेरे पास समय रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा, तो आप एक बात लगाएंगे कि पाँच माइनस क्या कर लेंगे सर, चार कर लेंगे, ठीक है, पाँच माइनस चार और गुना क्या करना है, चार कर देना। ये कहाँ से गुना चार आया, तो अपने मन से लॉजिक लगाया, यहाँ पर हो जाएगा एक अगुना चार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब जिसका इसका भी आप निकाल लीजिए, इसका भी आप निकाल लीजिए, ठीक ना, हम नहीं करेंगे। सात में दो जाएगा क्या बचेगा, सात में दो घटा लेंगे, पाँच गुना चार बीस हो जाएगा, पाँच में तीन जाएगा क्या बचेगा हम लोगों का, तो वो दो बचेगा, और चार से गुना कर देंगे तो आठ। उसी प्रकार से अब जिसका निकाल, अब डायरेक्ट अब जिसका निकालना अब करके देख लेना, अब इसका निकाल लेते हैं तो हो जाएगा आठ गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, पाँच, अच्छा अच्छा हाँ यहाँ माइनस करना होगा ना, आठ माइनस पाँच अगुना क्या करना होगा इसमें, चार करना होगा, आठ में पाँच जाएगा तो कितना हो जाएगा, तीन अगुना चार क्या हो जाएगा दोस्तों, बारह हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा सर, कुछ भी पेचीदा नहीं, बस लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन पूछा गया कॉन्स्टेबल में आया था ये वाला क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न दिए गए पैटर्न का अनुसरण कीजिए और लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए अब चलते हैं, क्या करना है, हमेशा एक लॉजिक लगाना है किस तरीके से। इधर से क्या आठ और दस को करने से बारह आ पाएगा, जोड़ लेंगे घटा लेंगे और वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, वही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। तो इधर से नहीं हो रहा है तो फिर आप किधर से सोचेंगे, इस साइड से सोचेंगे, और क्या सोचेंगे, देखिए आठ गुना क्या कर लिया दोस्तों, तीन कर लिया, और आठ गुना तीन कर लिया, और इसी में गुना क्या कर लिया, वो दो कर दिया अपने मन से। देखिए आठ किया क्या हो जाएगा, चौबीस गुना दो कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, अड़तालीस हो जाएगा। तो उसी तरीके का आप इसमें पैटर्न को लगा लीजिए, ये वाला में आप पैटर्न को लगा के देख लीजिए क्या हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर दस लिखे, ठीक है, और क्या रखने से अस्सी हो जाएगा, तो मान के चलिए कि इस जगह पर उसने क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है सर, क्वेश्चन मार्क ले लिए, और गुना किससे करना होगा, दो से करना होगा। तो ठीक है, अगर चार रख दें क्वेश्चन मार्क की जगह पर, क्या रख दें दोस्तों, इधर अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर चार रख दें तो दस जो क्या हो जाएगा, चालीस अगुना दो कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्सी हो जाएगा। तो बिल्कुल पैटर्न को तो फॉलो कर गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको क्या रखना होगा, चार रखना होगा, दस चौक चालीस दुना क्या हो जाएगा, अस्सी हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई पेचीदा नहीं है। यहाँ पर कर लेंगे बारह और गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, पाँच कर लेंगे, और इसी में अपने मन से गुना, अच्छा अच्छा यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, गुना दो कर देना होगा, इस जगह पर गुना क्या करना है, दो कर देना। तो बारह पंचे साठ गुना दो कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए 120 यहाँ पर लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सबको आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। इधर से चला था, इन दोनों नंबर को उसने क्या कर लिया, एक बार गुना, मतलब गुना करके उसमें दो से गुना कर दिया, बस बड़े वाले नंबर आ गया। कौन सा बड़ा नंबर, तो देखिए सबका बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ई वाला सवाल देखते हैं कि कौन कौन कर पाता है। यदि त्रिभुज टाइप में दिया, दी गई आकृति को देना, सब में वही है, लुप्त संख्या ही है, लेकिन टाइप अलग अलग, क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या आएगा, तो चलिए अब हम बताते हैं। तो देखिए दो लॉजिक, हाँ ये देखिए यहाँ देखने से पता चल गया, देखने से पता चल गया कि ई दोनों को क्या करना होगा, गुना करना होगा, यानी पाँच गुना छ कर दिया जाए, अब ब्रैकेट में लगाकर क्या करना होगा दोस्तों, प्लस सात करना होगा, ब्रैकेट में लगाकर प्लस क्या करना होगा, सात, छः पंचे तीस, अब प्लस अगर सात कर दिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, सैंतीस हो जाएगा। लेकिन सैंतीस लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है, वही पैटर्न को आप देखते हुए यहाँ पर चलते हैं, इस साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सात और गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, छः कर लेंगे। तो ठीक है सर, सात गुना छः, देखिए इसमें यही करेंगे ना, सात गुना छः, ठीक है, और इधर से ले लेंगे अब प्लस का प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों, छः कर लेंगे। तो छः सत्य बयालीस, अब प्लस छः कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, हाँ बयालीस छः क्या हो जाएगा, अड़तालीस हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, अड़तालीस आएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। और भी चेक करके दिखा देते हैं, इसको भी क्यों छोड़ेंगे, इसको भी करके दिखा देते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो गया। सात गुना नौ, ठीक है, तो सात गुना नौ कर लिए, और सात गुना नौ करने के बाद नीचे वाला संख्या प्लस करना, नीचे वाला संख्या प्लस हो रहा है, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, तो वही तो काम किया है सब में, देखिए आप प्लस प्लस करते गए। तो ठीक है, नौ सत्य क्या हो जाएगा, तिरसठ, आप प्लस आठ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इकहत्तर हो जाएगा। तो देखिए लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है, इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आ करके दिखाइए। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताएं, देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं। रिक्त स्थानों को करा कि भर कर श्रृंखला की पूर्ति कीजिए, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों इस जगह पर बताना। और कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, देखिए बहुत सारा से नहीं हो पाएगा, देख लीजिए लगा के आप देख लीजिए हो रहा है कि न हो रहा है। तो चलिए अब हम बताते हैं, यहाँ पर बड़े नंबर पर फोकस करना था, इसमें बड़ा नंबर है तो उसी प्रकार से कुछ ना कुछ बड़ा नंबर लिखा होगा, उसने छोटे नंबर का प्रयोग किया, या तो हो सकता है उसने जोड़ लिया होगा, स्क्वायर कर दिया होगा या क्यूब कर दिया होगा। तो देखिए बताते हैं हुआ क्या, यहाँ से अगर यहाँ पर चलेंगे ना, ये देखिए 9 का स्क्वायर कर लिया, अब प्लस का प्लस क्या कर दिया दोस्तों 8 का स्क्वायर कर दिया, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे इस जगह पर 8, अच्छा अच्छा 9 पहले लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं 9, अब प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों 8 कर देते हैं, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, देखिए 9 नमा क्या हो जाएगा 81 और यहाँ पर 64, अब प्लस इसको कर लीजिएगा दोस्तों 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो जैसे ही जोड़िएगा तो 100 क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग किधर से चले हैं आपको इशारा मिल रहा होगा कि हाँ सर ई साइड से चले हैं, ई साइड से, देखिए यहाँ से ई साइड से आप चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप क्या करेंगे दोस्तों 11 का स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस का प्लस ठीक है, 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस थोड़ा रुक जाइए यहाँ पर इधर कर लिया, अब प्लस इधर क्या कर लेंगे 11, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 6 कर देना है, 11 का स्क्वायर होता है 121, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस का प्लस 11 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो इसको जोड़िए तो देखिए 7 6 13 एक क्या हो जाएगा 14, 174 आएगा, आप करके देख लीजिए 100 क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। अब जिसका निकालना है मेन मुद्दा ये वाला पे है, इसका निकालना है तो आप क्या करेंगे, दिया तो है संख्या यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर क्या कर लेंगे 8, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 13 को जोड़ देंगे, तो ले लीजिए 8 का स्क्वायर 64 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, अब प्लस का प्लस 13 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, लेकिन 13 8 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 1 10 4 14 करी 4 हासिल रहा 1, इधर 6 2 8 14 एक 15 करीब 5 हासिल रहा 1, 1 1 254 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सर, काफी इंपॉर्टेंट था ये वाला सवाल जो कि पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपका बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो चलिए देखते हैं कौन कौन इसको कर पाता। नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ये यहाँ पर यानी कि वो जो सीजीएल आया हुआ है बिहार एसएससी जो होता है सीजीएल जो, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का यानी कि इसमें बताना है हम लोगों का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, ये देखिए कैसे करेंगे अगर बात किया, यदि सीधा सा तो किया है इसमें कुछ था ही नहीं, 7 × 2 × 3 कर देंगे, 7 × 2 = 14 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, एकदम आराम से कर सकते थे, ज़्यादा पेचीदा नहीं था। इसी प्रकार से इसमें करेंगे 9 × 1 × 2 कर देते तो 9 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाता, देखिए यहाँ पर 18 लिखा है जिस प्रकार से इसमें 42 लिखा है, उसी तरीके से आप पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × क्या हो जाएगा दोस्तों -2 × क्या कर लेंगे -3, तो आपको पता होना चाहिए -× - क्या होता है प्लस होता है, तो 5 × 10 दिया क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन देख रहे हैं आजकल पूछा गया है, तो बताते हैं कि लॉजिक क्या क्या होगा और किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर, 15 और 3 को क्या कर लें जो 252 हो जाएगा, 11 5 को क्या करें 240, 9 6 को ऐसा क्या करें गुना कर दें जोड़ कर दें स्क्वायर करके क्या करें। तो हमको एक बात पता चला दोस्तों, अगर इस जगह पर आप 15 का, क्योंकि देखिए अगर बहुत बड़ा नंबर लिखा है आप इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए, अगर बहुत बड़ा नंबर लिखा है या तो उसने स्क्वायर किया होगा या तो क्यूब किया होगा इस तरीके से, और उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। अगर आप 15 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 225 और यहाँ पर अच्छा अच्छा हाँ, और इस जगह पर क्या कर लिया जाए दोस्तों 3 का क्यूब कर लिया, देखिए लॉजिक को देखिए किस तरीके उसने घुमाया था, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 ठीक है और 3 का क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो इसी को जोड़ेंगे तो 7 5 12 बिल्कुल हो जाएगा, 7 5 12 करी 2 हासिल रहा 1 2 2 4 1 5 और इधर क्या हो जाएगा 252, देखिए आपके सामने 252 आ गया।
उसी तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों, 11 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 5 का क्यूब कर, लॉजिक देखिए ना, 11 का स्क्वायर 121 और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 5 1 6 2 2 4 1 1 2 246 आ गया। उसी तरीके से यही पैटर्न को देखते हुए हम आगे वाला में चलते हैं, 9 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 का क्यूब कर देंगे, तो पता होना चाहिए 9 का क्यूब 81 और 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 200, अच्छा 6 का क्यूब तो आपको पता होना चाहिए 216। अभी क्यूब करके बताएं ताकि वहाँ कोई कन्फ्यूजन हो, इसलिए हमने पहले ही क्यूब को क्लियर कर चुका हूँ पहले नंबर क्वेश्चन में। क्यूब का मतलब होता है कोई भी संख्या, जैसे 6 का क्यूब कहा था आप क्या करेंगे 6 गुना 6 अगुना 6, तो 6 गुना 6 करेंगे 36, अगुना 6 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा। आप कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर बात करें कितना हो जाएगा 6 1 7, तो 7 अच्छा जोड़ना होगा ना 6 1 7, ठीक है 7 ले लिए, इधर हो जाएगा 6 1 7, तो 8 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा 297। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपने 10वें प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारे चैनल पे उस तरह कंटेंट क्वेश्चन डालते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं आगामी एग्जाम में आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।